हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन फैजू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे सब बहुत ज़्यादा अच्छे और खुश और हमेशा रहें, मैं तो यही प्रे करती हूँ। सो, आज है हमारा लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 3 है कि फेस वॉश और स्क्रबर के बाद अब आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और वो है फेस मास्क। हाँ जी, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि आप अपना प्यार देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो मैं आपको बताती हूँ, मास्क एक तरीके का नहीं होता, मास्क बहुत तरीके के होते हैं एंड जिसमें से मैं आज आपको कुछ ऑप्शन दिखाने वाली हूँ एंड उनके यूज भी बताने वाली हूँ और उन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वरना वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी एंड मेरा फर्स्ट और सेकंड लेसन जो है वो छोड़ना नहीं। इस वीडियो में आपको कहीं भी ऊपर आइकन दिख जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो मेरी फेस वॉश वाली वीडियो और इस वीडियो के लास्ट में मैं अटैच कर दूंगी अपनी स्क्रब वाली वीडियो क्योंकि उसी के बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ आज 4 टाइप के मास्क हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम पहले बात करते हैं मास्क क्यों ज़रूरी है, ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन है मास्क हमें किस टाइप का यूज़ करना चाहिए एंड उसके बाद ऑप्शन है मास्क हमें कब यूज़ करना चाहिए। ओके, सो मास्क बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप वीक में एक दिन भी अपने आप को दे सकते हो उतना, कोई भी मास्क अप्लाई कर सकते हो या आप वीक में 2 डेज भी कर सकते हो। सो, हम जो बात करेंगे उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो मैं मास्क दिखाते दिखाते आपको बताती रहूँगी एंड टू एंड। एंड अब उसके बाद हमारे बेनिफिट्स क्या हैं, तो आपकी स्किन को फ्रेश करती है, आपकी स्किन पे जितना भी मसले चल रहे होते हैं उनको शांत करती है, स्किन को ब्राइट करती है, रिलैक्स करती है क्योंकि स्किन के लिए भी तो रिलैक्स ज़रूरी है ना। सो, ये वाले काम सारे मास्क के होते हैं और मास्क हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला मास्क मैं आपको बताने वाली हूँ वो आता है क्ले फॉर्म में एंड यहाँ पे मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ गुड वाइब्स का है मेरे पास एक्टिवेट चारकोल मास्क एंड सेकंड भी गुड वाइब्स का ही है यहाँ पर रोज फेस मास्क एंड उसके बाद यहाँ पे द फेस शॉप का है मेरे पास सुपर पो क्ले मास्क एंड ये भी क्ले मास्क है। मैं आपको दिखाती हूँ क्ले मास्क होता कैसा है। तो क्ले मास्क कुछ इस तरीके से होता है, आप लोग देख पा रहे होगे, काफ़ी ज़्यादा थिक एंड ये आपके फेस पे से सारी डर्ट क्लीन कर देता है। अब हमें जो क्ले मास्क होता है वो वीक में एक दिन यूज़ करना चाहिए या 2 बार, इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है वरना ये आपके स्किन जो ऑयली वाले हैं वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही लेंगे, ऑयली वाले ऑयली, ड्राई वाले ड्राई एंड कॉम्बिनेशन वाले कॉम्बिनेशन। सो, सेंसिटिव स्किन वालों के सेंसिटिव, तो आपको मतलब ऑल स्किन टाइप के मिल जाएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी तरीके से आपको लिंक दे दूंगी फॉर ऑयली स्किन एंड फॉर ड्राई स्किन, ऑल स्किन टाइप, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ फेस मास्क सजेस्ट करूंगी जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, वरना आप मेरे अकाउंट पे भी जाके चेक कर सकते हो, मैंने बहुत ज़्यादा मास्क का रिव्यू किया है, गुड वाइब्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, प्लम हो गया, काफ़ी सारी ब्रांड्स के। ओके, अब उसके बाद बारी आती है सेकंड टाइप की। ओके, तो सेकंड टाइप जो होता है वो है आपका पील ऑफ मास्क और ये जेली फॉर्म में होता है, मतलब जेल टाइप होता है, आपको अप्लाई करना होता है एंड ड्राई होने के बाद इसको पील करना होता है। ओके, तो ये आपको कर लेना चाहिए मंथ में 15 डेज में एक बार, मंथ में दो बार, 15 डेज में एक बार। एंड अगर आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो तो फटाफट से फेस वॉश करो एंड स्क्रब करो और कोई भी एक पील ऑफ मास्क यूज़ करो एंड फिर आप ग्लो देखेगा, फेशियल जैसा आ जाएगा। एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये भी गुड वाइब्स का ही है, ये काफ़ी अच्छा है, आप लोग बाय कर सकते हो। और काफ़ी तरीके के आते हैं, चारकोल का भी पील ऑफ मास्क आता है, काफ़ी तरीके के आते हैं, तो आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेने होंगे। अब आपको ये तो पता होगा ना अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स कैसे लेने हैं, ठीक है ना, ये मैं फेस वॉश वाली भी स्क्रब वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो ज़रूर देखें। एंड अब पील ऑफ के बाद अब सेंसिटिव स्किन वाले पील ऑफ ज़रा ध्यान से यूज़ करें एंड मैं गुड वाइब्स का यूज़ करती हूँ, गुड पील ऑफ मास्क बहुत अच्छा है, तो आप सेंसिटिव वाले वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना।
एंड अब उसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मास्क। तो यहाँ पे एक इस तरीके से मास्क आते हैं, जैसे हमारे माएँ, हमारी दादी नानियाँ जो होती हैं वो हमें बेसन, मुल्तानी मिट्टी, चंदन कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट लगाती हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे जैसे मुल्तानी मिट्टी एंड रोज पेटल का पाउडर, और मैंने यहाँ कुछ गुड वाइब्स भी मंगा रखे थे जैसे कि बीट रूट, एंड यहाँ पर है मेरे पास ऑरेंज, और इसका मैंने एक दो और मंगा रखे हैं। एंड इनका क्या होता है आपको कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको रोज वाटर में मिक्स करो पाउडर को एक चम्मच, और आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, और यह आप वीक में 3 times कर सकते हो। हाँ जी, क्योंकि कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। एंड जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इसको दूध में मिक्स करके लगाएं, एंड फिर देखिएगा कमाल, आप भी मुझे बोलोगे वाह। तो ये वाले काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, आपकी स्किन को कोई हार्म भी नहीं करता। एंड सेंसिटिव वाले तो यही मास्क यूज़ करें, काफ़ी अच्छे मास्क हैं एंड काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में गुड वाइब्स पे अवेलेबल हैं। ओके, एंड अब उसके बाद बात करते हैं, सो मैंने आपको 3 तरीके के मास्क बता दिए, क्ले मास्क जो आपको वीक में 1 time यूज़ करना है, पील ऑफ मास्क 15 days में 1 बार, या अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आप तब यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ बात की होम मेड मास्क की, जिसका आप पाउडर मंगा के रख सकते हो सब चीज़ों के, एंड ड्राई स्किन वाले जो हैं वो मिल्क में, एंड ऑयली वाले जो हैं वो रोज़ वाटर या वाटर में मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हैं, हल्की सी टर्मरिक भी ऐड कर सकते हो, या जो आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो। मैंने बहुत सारे होम मेड मास्क अपने चैनल पे दे रखे हैं, तो फटाफट से जाके देखिए अगर आपको अपने फेस पे कोई नुकसान नहीं करना है। अब उसके बाद बात करते हैं और मास्क की, तो मेरे पास यहाँ गुड वाइब्स के कुछ फेस जेल हैं जो ये भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। आप नाइट में लगा के सो जाओ, सुबह फेस वॉश करने से पहले अपने फेस पे लगाओ, एंड उसके 1-2 मिनट छोड़ के स्किन पे फिर फेस वॉश कर लो। तो मेरे पास एलोवेरा है यहाँ पे, मेरे पास रोज हिप है, मेरे पास ऑरेंज है, और 1-2 और हैं, एंड ये प्रॉपर जो होते हैं वो जेल फॉर्म में ही आते हैं। मैं दिखा देती हूँ, जैसा आप लोग देख सकते हो ऑरेंज तो मेरा बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है, एंड ये कुछ इस तरीके की जेल फॉर्म में आते हैं, काफ़ी बढ़िया है। एंड गुड वाइब्स के लेना, तो आप लोग फिर आपकी स्किन पे कोई भी दिक्कत नहीं हो। सो आप इसको वीक में जो है अपने स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अगर आपके फेस पे पिंपल का निशान है आप ऑरेंज का यूज़ कर सकते हो, आपको अपने फेस पे ग्लो चाहिए एंड लाइंस नहीं चाहिए, ग्लो चाहिए तो उसके लिए आप रोज हिप यूज़ कर सकते हो, एंड एलोवेरा तो भी किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन को सूट करता है। तो जेल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, इनको आप वीक में डेली भी यूज़ कर सकते हो, या 1 दिन का गैप छोड़ कर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद जो मैं आपको मास्क का टाइप दिखाने वाली हूँ वो मेरा फेवरेट है, बहुत इजी है, टाइम बचाता है, सिर्फ आपको 10-15 मिनट देने होते हैं, एंड वो है यहाँ पर ये शीट मास्क। ओके, एंड ये काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं अभी यहाँ पे, एंड आप इनको डेली यूज़ कर सकते हो। कोरिया में फेस मास्क शीट जो होती है वो लोग दिन में 2-3 बार लगाते हैं अलग अलग मींस, एंड उनकी स्किन आप लोग देख ही सकते हो कितनी अमेजिंग होती है। तो शीट मास्क आपको रोज़ यूज़ करना चाहिए, मैं रोज़ तो नहीं करती पर जब भी वीक में 1 या 2 बार अपना स्किन केयर करती हूँ तब यूज़ करती हूँ, या मुझे फंक्शन में जाना होता है तो मेकअप से पहले भी मैं एक शीट मास्क ज़रूर यूज़ करती हूँ। एंड ड्राई स्किन वालों के लिए अलग अवेलेबल हैं, ऑयली वालों के लिए अलग हैं, तो ध्यान से बाय कीजिएगा। सो मेरे पास यहाँ काफ़ी ब्रांड के हैं, जैसे कि ये वाला है मेरे पास द फेस शॉप का कोरियन ब्रांड, एंड इसके भी काफ़ी अच्छे होते हैं शीट मास्क। सेकेंड है यहाँ पे गुड वाइब्स का विटामिन सी, एंड ये है टोनी मोली का जो कोरियन ब्रांड है, इट्स सो गुड, एंड माय फेवरेट नायका क्योंकि शीट मास्क भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम होते हैं, एंड आपको शीट मास्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सो आज हमने यहाँ पे सारे मास्क कवर किए हैं इस वीडियो में, आपको कुछ समझ में ना आए या आप किसी टॉपिक पर परेशान हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शीट मास्क आप डेली यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप 1 दिन छोड़ के कीजिएगा। ओके, एंड ड्राई स्किन वाले इसको विंटर्स में यूज़ करें, उनको दिख जाएगा अपने स्किन पे ग्लो एंड मॉइस्चर, एंड आप लोग फिर मुझे दुआएं दोगे। सो
आज की वीडियो थी यहीं तक की। हमारा फर्स्ट लेसन था फेस वॉश, सेकंड लेसन था स्क्रब, एंड आज थर्ड लेसन हमने कवर किया है द फेस मास्क। तो फेस मास्क कितने तरीके के होते हैं एंड उनको किस तरीके से यूज करना चाहिए। ओके, एंड तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को एंड अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। सो बाय बाय, टेक केयर।